स्कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों के साथ हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में बात होगी आईपीएल की, बधिर ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन की, साथ ही साथ हॉकी की भी खबर है और खबर फुटबॉल जगत से भी है। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। ब्राजील में 24वें बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी और बैडमिंटन में भारत ने जीते स्वर्ण पदक। सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में चंडीगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब ने जीते अपने अपने मुकाबले और रियल मैड्रिड ने रोमांचक मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी को हराकर चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में बनाई जगह। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अंक तालिका में हैदराबाद 5वें और दिल्ली कैपिटल 7वें स्थान पर है। आइए सुनते हैं मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो ये टीम संतुलित नजर आती है। अभिषेक त्रिपाठी, केन विलियमसन और एडन मार्करम टॉप ऑर्डर में टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक की पेस बैटरी बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल हो रही है। हालांकि पिछले दो मुकाबलों में डेथ ओवर्स में गेंदबाजों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। दिल्ली की मजबूत बैटिंग लाइनअप के खिलाफ सनराइजर्स के गेंदबाजों की बड़ी परीक्षा होगी। अगर वे पावर प्ले और डेथ ओवर्स में रन रोकने में कामयाब रहते हैं तो सनराइजर्स दोबारा जीत की पटरी पर लौट सकती है। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो टीम कुलदीप यादव की फिरकी की बदौलत मुकाबले जीत रही है। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें अपेक्षा के अनुरूप समर्थन नहीं मिल सका है। बल्लेबाजी की बात करें तो ऋषभ पंत इस सत्र में एक लंबी पारी के लिए तरस रहे हैं। फैंस को उम्मीद रहेगी कि वे नो बॉल के विवाद में पड़ने के बजाय टीम को फ्रंट से लीड करते हुए एक करिश्माई पारी खेलें। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ बढ़िया टच में नजर आए हैं। अगर दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी क्लिक कर जाती है तो वो सीजन की 5वीं जीत दर्ज कर सकती है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। मुकाबले में दोनों ही टीमों ने चेंजेस किए हैं। 4 बदलाव दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने किया है। पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल, मुस्तफिजुर रहमान और चेतन साकरिया इस टीम में आज नहीं खेल रहे। उनकी जगह एंड्रिक नॉर्किया, मनदीप सिंह, रिपल पटेल और खलील अहमद को टीम में जगह दी गई है। जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो उनकी टीम में 3 बदलाव किया गया है। कार्तिक त्यागी, श्रेयस गोपाल और सीन एबॉट को टीम में जगह मिली है। जबकि जो बाहर होने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं नटराजन जो कि इंजर्ड हैं, वॉशिंगटन सुंदर को भी चोट लगी है, साथ ही साथ मार्को जिनसन जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं उनको भी आज के मुकाबले में शामिल नहीं किया गया है। तो दोनों टीमों की कोशिश यही होगी इस मुकाबले की जीतने की। आईपीएल क्रिकेट में कल रात पुणे के एमसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हरा दिया। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 8 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के इतिहास में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हो गए हैं। विराट कोहली का पहला स्थान है। तो आईपीएल की बात हम लोग कर रहे हैं। आईपीएल पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स कैन में जुड़ रहे हैं खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज की बात सबसे पहले करते हैं राकेश। आज का जो मुकाबला है वो हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल से है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जी। हैदराबाद के अगर प्रदर्शन को देखें, पहले शुरुआती मुकाबले हारे, फिर 5 जीते, फिर 2 हारे, जी कैसे देखते हैं इस टीम के प्रदर्शन को? देखिए, ओवरऑल जो टीम है काफी स्टेबल है। उनका जो पूरा जो ओवरऑल जो उनका जो टीम का जो कॉम्बिनेशन, यू नो, जो हम जैसे बात करते हैं कि एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन, तो उनका कॉम्बिनेशन सेट हो चुका है। जो नॉर्मली हम देखें तो एक जिस टीम के पास मिडिल में अच्छी बैटिंग है, टॉप हाफ सबका अच्छा है, जो लोग ऑलराउंडर्स के दम पे या अपने अटैक के दम पे टीम निकाल, मतलब मैच निकाल सकते हैं, तो ये टीम पूरी तरह सक्षम है।
आज सनराइजर्स ने तीन बदलाव किए हैं। कार्तिक त्यागी, श्रेयस गोपाल और सीन एबॉट को टीम में शामिल किया गया है। नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर और मार्को जिनसन बाहर हैं, जबकि दिल्ली ने चार बदलाव किए हैं। पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल, मुस्तफिजुर रहमान और चेतन साकरिया की जगह एनरिक नौरकिया, मनदीप सिंह, रिपल पटेल और खलील अहमद को जगह दी गई। दिल्ली की बात करें अगर खासकर राकेश, तो टीम चल नहीं पा रही है। अगर वार्नर और पृथ्वी शॉ को छोड़ दें तो बल्लेबाजी में भी कोई नहीं चल पा रहा है और कुलदीप यादव के अलावा कोई गेंदबाज भी रंग में नहीं दिख रहा। देखिए, उस टीम की प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने जो इस बार जो उन्होंने टीम जो अपनी जो टीम उन्होंने रेडी की थी, अगर आप उसे पिछली टीम से कंपेयर करें, उन्होंने क्या किया, ओपनर्स पे तो आप अपने जोर दिया है। ओपनिंग डेफिनेटली लास्ट टाइम से बेटर है, शिखर और शॉ जो थे, उसके बजाय आपने वार्नर और शॉ कर दिया। अच्छा कॉम्बिनेशन है, मगर दोनों अटैकिंग बैट्समैन है, जब चल गए तो चल गए। ये दोनों वो प्लेयर हैं जो मौका देके खेलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैं नहीं मानता हूं। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है, एक्सपीरियंस एक तरफ है, दूसरी तरफ थोड़ा फ्लैम्बॉयंस है। इन दो को भी आपने कहा अच्छा है, मगर ये चलते कितनी बार हैं? जब चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैच चाहे तो ये दोनों ही मिलकर खत्म कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप आते हैं, ऋषभ पंत, आप बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो उनके पूरी जो वो है, चाहे आप अक्षर ले लीजिए, शार्दुल ले लीजिए, ये सारे मिडिल ऑर्डर पे जो हैं, जो लोग आ रहे हैं इनके नीचे, लोअर ऑर्डर जो है, ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन क्या आप इन पे रिलाई कर सकते हैं? वो नहीं है। तो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है इस टीम का, ये एक मैं इसको विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं मानता हूं। टॉप फोर में मैंने इनको डे वन से कभी जगह नहीं दी, और मुझे ये लगता है कि ये टीम अनलेस अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो अभी तक ये सेटल नहीं हो पाई है, 10 मैचेस हो गए जी, 10वां मैच है इनका, तो मेरे ख्याल से उसमें जो प्रॉब्लम है इनको यही है कि इनको आज भी देखे, चार चेंजेस उन्होंने किए, तो दैट मीन्स आप अभी भी अपने कॉम्बिनेशन पे आपको सेटल्ड कॉम्बिनेशन नहीं है। और जो टीम जितनी बार चेंजेस ला रही है, अगर आप वही देखते जाएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये टीम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। एनरिक नौरकिया इनके लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे, रिटेन किया था, लेकिन दो बीमर डाले, उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया, आज उनको शामिल किया। देखिए, टीम वो अकेले एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको दूसरी तरफ से सपोर्ट शायद जब तक मिलता नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर उनको बड़ा इम्प्रेसिव पाया, इस चक्कर में उन्होंने उनको रिटेन भी किया, लेकिन दूसरी तरफ से रबाड़ा थे। एक ही टीम से खेलते हैं दोनों, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और रबाड़ा बहुत सटीक गेंदबाज हैं। यहां आपको कोई लगता ही नहीं है, अगर आप शार्दुल को ले लें, तो शार्दुल की हम बातें बड़ी करते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनके बारे में बोलते हैं मैच विनर हैं ये वो, अगर आप उनका सिर्फ रिकॉर्ड निकाल के दिखाइए मुझे, कितनी बार उन्होंने मैचेस को अपने गेंदबाजी से आपको जितवाया हो या बल्लेबाजी से जितवाया हो। 14 लीग मैचेस है हमारे पास, एक जितवा देंगे, दो जितवा देंगे ज्यादा से ज्यादा, बस इससे या तो नहीं जी। और देखिए उनका रन जो जिस हिसाब से वो रन कंसीड करते हैं, और उनको जब विकेट मिलती है, उनको विकेट आप देखिएगा तब मिलती है जब बैट्समैन उन पर अटैक कर रहा है। अच्छी गेंदबाजी से उनको विकेट नहीं मिल रही है, क्योंकि वो कमजोर गेंदबाज हैं, टारगेट होते हैं, रन भी देते हैं, और जब बैट्समैन उन पर ज्यादा अटैक करता है तो हवा में खेल के चला जाता है जी। तो वो बहुत सक्षम टीम नहीं है, बैटिंग नहीं दिख रही, बॉलिंग नहीं दिख रही, तभी वो वही है जहां पे है। राकेश, अगर कल जो मैच हुआ उस पर बात करें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीत दर्ज की जी। क्या लगता है जो दिनेश कार्तिक ने अंतिम ओवर में रन बटोरे, वही डिफरेंस था दोनों टीमों के बीच? नहीं, अगर आप उससे एक ओवर पहले देखें तो सिर्फ 2 ही रन आए थे उसमें 19 में। तो नॉर्मली लास्ट के 5 ओवर में हम 50 रन लेके चलते हैं, 50 से 60, विच इज कंसिडर्ड ओके, बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि आजकल एक एक ओवर में 15-17 तक का भी एवरेज निकलता है लास्ट में जी। लेकिन हाँ, दिनेश का जो यूटिलिटी है, आप देखें, हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारे लोग कि वो धोनी से पहले आए थे जी, उनका करियर जो है धोनी से पहले शुरू हुआ, और धोनी का करियर खत्म हो गया, इनका करियर अभी भी चल रहा है जी। तो लॉन्जिविटी इनकी है, इज एन इंटेलिजेंट बैट्समैन, वो उनके पास बहुत ज्यादा शॉट नहीं है, लेकिन जुझारू है, वो फील्ड को देख के रन निकाल लेते हैं, वो लंबे लंबे शॉट नहीं मारते, इंटेलिजेंट शॉट्स मारते हैं। जिस दिन उनका चल जाता है बल्ला तो आपको लगता है, लेकिन उनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, रिलायबल है, 5 में से 2 इनिंग तो आपको निकाल के दे ही देंगे, या 3 निकाल के भी दे देंगे शायद। तो मेरे ख्याल से उनका रोल जो है बड़ा क्रूशियल, और जैसे हमने देखा भी कल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो कल की हार के साथ चेन्नई का सफर समाप्त? जी नहीं, मैं मानता हूं कि आउटसाइड चांस है, मैथमेटिकल चांस जिसे हम कहते हैं, कि देखिए बड़ा सिंपल है, 14 मैचेस में से अगर आप 50% पे हैं, 7 wins and 7 losses, जब तक 10 सीमें थी तब तक आपके पास फिर भी एक आउटसाइड चांस था,
अब आपको आठवां मैच जीतना ही पड़ेगा, और पहले के भी हिसाब से जहां पे कि आठ टीमें थी, आठवां मैच आप जीतेंगे तो आप बाहर नहीं जाएंगे, आप प्लेऑफ मोरलेस पक्का हो जाएगा। इस बार भी वही होगा, आठ पॉइंट्स पे आठ जीत के बाद टाई होगा किसी न किसी को, क्योंकि टीमें इस बार ज्यादा हैं जी, तो सेवन लॉसेस पे आप उस टीम को मैथमेटिकली बाहर नहीं कर सकते। चलिए देखना होगा सीएसके की टीम आने वाले मैचों में किस ढंग का प्रदर्शन करती है। भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ब्राजील में 24वें बधिर ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। धनुष ने 247.5 के रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इसी स्पर्धा में शौर्य सैनी ने 224.3 के स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। बैडमिंटन की टीम स्पर्धा में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत 2 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में 8वें पायदान पर है। पणजी में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ग्रुप एच में चंडीगढ़ ने मध्य प्रदेश को 6-1 से जबकि महाराष्ट्र ने असम को 3-2 से पराजित किया। ग्रुप एफ में पंजाब ने पुद्दुचेरी को 25-0 से करारी शिकस्त दी। दिल्ली और गोवा का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप डी में मणिपुर ने हिमाचल प्रदेश को 12-4 से हराया। प्रतियोगिता में कुल 29 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 कल से भोपाल में शुरू होगी। इस 12 दिन तक चलने वाले टूर्नामेंट में कुल 27 टीमें खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। टीमों को 8 पूल में बांटा गया है। 8 दिन के बाद पूल मैच के बाद 14 मई को क्वार्टर फाइनल होगा, उसके बाद 16 मई को सेमीफाइनल, जबकि 17 मई को स्वर्ण पदक का मैच खेला जाएगा। बात करते हैं फुटबॉल की। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने बेहद रोमांचक मैच में मैनचेस्टर सिटी को हराते हुए यूएफा चैंपियंस लीग के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। रिपोर्ट के साथ हैं जागृति शर्मा। सोचिए कि आपकी फेवरेट टीम एक अहम फुटबॉल मैच में 2 गोल से पीछे चल रही हो और मैच के 89 मिनट पूरे हो गए हों। ऐसे में अगर आप स्टेडियम में मौजूद हैं तो शायद निराशा के साथ घर जाने की सोचेंगे। कुछ ऐसा ही रियल मैड्रिड के कई फैंस ने मैनचेस्टर सिटी के साथ चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में दूसरे लेग के मैच के दौरान किया, लेकिन अगले 1 मिनट के अंदर रियल के लिए रोड्रिगो ने एक के बाद एक 2 गोल किए और मैच में टीम की वापसी करवा दी। सेमीफाइनल के पहले लेग में मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड पर 4-3 से जीत दर्ज की। दूसरे लेग के इस मैच में पहले हाफ में दोनों टीमों ने कोई गोल नहीं किया। रियल मैड्रिड के शॉट्स कहीं निशाने पर लगते नहीं दिखे। दूसरे हाफ में 73वें मिनट में महरेज ने बर्नार्डो की मदद से मिली गेंद को दाईं ओर से गोल पोस्ट की तरफ डाला और गोल कर दिया। इसके बाद सिटी की बढ़त 1-0 हो गई। 90वें मिनट में करीम बेंजेमा ने बॉल को सिटी के बॉक्स की तरफ खेला और रोड्रिगो ने इसे गोल में बदलकर टीम और फैंस को थोड़ी राहत दी। इसके बाद खेल में 6 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया, लेकिन तब भी रियल एग्रीगेट में 5-4 से पीछे थी। लेकिन अगले ही मिनट रोड्रिगो ने कारवाहल के क्रॉस को शानदार हेडर से गोल में बदल दिया और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, क्योंकि न सिर्फ रियल 2-1 से आगे हो गई थी बल्कि 2 मिनट के अंदर एग्रीगेट स्कोर 5-3 से 5-5 की बराबरी पर आ गया था। ये वापसी इतनी जोरदार थी कि दर्शक स्टेडियम से बाहर आ गए थे, वो 1 मिनट बाद ही स्टेडियम के अंदर जाने के लिए दौड़ते दिखे। 95वें मिनट में करीम बेंजेमा के गोल ने रियल को मैच में 3-1 और एग्रीगेट में 6-5 से आगे कर दिया। रिकॉर्ड 13 बार चैंपियंस लीग का खिताब जीतने वाली रियल मैड्रिड को पिछले साल चेल्सी ने सेमीफाइनल में हराया था और आखिरकार चेल्सी फाइनल में विजेता रही थी। लीग के फाइनल में अब 28 मई को पेरिस में लिवरपूल का सामना रियल से होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। राकेश, इस साल जो चैंपियंस लीग के मुकाबले हैं उसमें रियल मैड्रिड को अगर कमबैक किंग कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, इन्होंने ये चीज पहले भी दिखाया और आज भी दिखाया, मतलब जैसे हमने देखा। और ये देखिए, ये पूरा मैच अगर आप देखें, रियल को लग रहा था कि वो ऑलमोस्ट डन है, मतलब आगे ही है इसमें, लेकिन जैसे ही देखिए, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड एक स्टेज पे 73 मिनट्स पे जब उन्होंने गोल मार दिया, तब रियल को लगा होगा कि नहीं, अभी अभी हमें थोड़ा काम बाकी है। उसके बाद 90th मिनट था वो, जबकि 2 गोल हमको देखने को मिला एक्स्ट्रा टाइम, जो इंजरी टाइम में हुआ गोल, और उसके बाद ऑफ कोर्स द लास्ट गोल जो हमने देखा। थिंग इज कि एक बड़ी टीम के साथ जब दूसरी बड़ी टीम खेलती है तो इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। उसमें अगर आप दोनों टीमों में अगर किसने भी एक हल्का भी छोड़ दिया, हल्के से भी हल्का छोड़ दिया,
वहां ये डिसाइसिव डिफरेंस आता है। और मेरे ख्याल से मैनचेस्टर को ये डिफीट बहुत दिन तक या बहुत साल तक उनके फैंस जो हैं वो याद रखेंगे और इससे उनको दुख होगा। यू नो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जो आपको जब भी याद आती हैं आपको थोड़ा दुख देके जाती हैं, तो ये एक ऐसा डिफीट क्योंकि बड़ा क्रूशियल मैच जी। खिताबी दौर से आप बिल्कुल बिल्कुल पास पहुंच गए, ऑलमोस्ट एक पैर रख चुके हैं वहां पे, और फिर आपको कोई वहां से धकेल के बाहर निकाल दे, तो ये कुछ वैसी बात हो गई। लिवरपूल बनाम रियल मैड्रिड, कमाल का मैच हो सकता है। देखिए, इसमें एक चीज अच्छा है कि दोनों अलग अलग लीग में खेलने वाली टीम है, नॉर्मली एक ही अगर लीग में खेल रही हैं दोनों तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा खेला है। लेकिन यूरोप की दो टॉप टीम्स में से हैं और ऑब्वियसली क्रीमी लेयर दोनों तरफ, एंड लिवरपूल मेरे ख्याल से मैं अगर मुझे पिक करना है अभी तो आई विल पिक यू नो रियल, क्योंकि एक तो मोमेंटम साथ है पहली बात, और जोश जज्बा सब कुछ। अब उनको देखिए, अब उनके साथ खेलने की जो लिवरपूल खेलेगी उनको आखिरी सेकंड तक, जब तक वो यू नो फाइनल विसल नहीं बज जाती है तब तक उनको विश्वास ये नहीं होगा कि हम जीत चुके हैं कि नहीं है। तो ये एक प्रेशर एक रहता है एक ऐसी टीम के साथ जिसको हमेशा ये भरोसा रहेगा कि चलो हम इस सिचुएशन में पहले भी थे, एक बार और आ गए हैं, शायद यहां से भी निकल जाएंगे। वो यूर्गन क्लॉप बनाम कार्लो एंसेलोटी, दो बड़े मैनेजर्स की रणनीति का भी मुकाबला होगा। देखिए, ये हमेशा रहा है, फुटबॉल ले लीजिए, बास्केटबॉल ले लीजिए, ये मोर देन द प्लेयर्स देयर, ये दो टीमों के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो दो मैनेजर्स हैं, उनका गेम रहता है कि कब पुल आउट करना है, क्या करना है। और ऑफकोर्स दे नो ईच अदर्स गेम वेरी वेल, दोनों साइड हैं, दो जिन्होंने कि उनको हार का स्वाद या जीत का स्वाद दोनों पता है, और स्टेक्स बहुत हाई हैं यहाँ पे, तो इंटेंसिटी वाइज तो हम देखेंगे कि बहुत जबरदस्त मैच की उम्मीद है। तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी में शामिल डिएगो माराडोना की 1986 विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में पहनी गई जर्सी नीलामी में 67.58 करोड़ रुपए में बिकी है। अब वो नीलामी में अधिक रकम हासिल करने वाली चीज बन गई है। इस मैच में माराडोना के साथ एक विवाद भी जुड़ा है और वो हैंड ऑफ गॉड गोल के लिए भी जाना जाता है। माराडोना के इस मैच में किए गए दूसरे गोल को 2002 में फीफा ने सदी का सर्वश्रेष्ठ गोल भी चुना था। ब्रिटेन के एंडी मरे ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। मरे बीमारी के कारण खेलने में असमर्थ हैं। मरे ने दूसरे दौर में कनाडा के डेनिस शापावालोव को 6-1, 3-6, 6-2 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई थी। तीसरे दौर में उनका मुकाबला दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से होना था। जोकोविच क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर जीत के साथ आगे बढ़ेंगे, जहां उनका सामना पोलैंड के हर्बर्ट हरकाज और दुसान लाजोविक के विजेता से होगा। भारत की स्टार डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उन पर अस्थायी बैन लगाया गया है। डोप टेस्ट के दौरान कमलप्रीत कौर के शरीर के अंदर प्रतिबंधित दवा स्टैनोजोलोल पाई गई थी। अगर वो जांच में दोषी पाई जाती हैं तो उनके ऊपर 4 साल तक का बैन लग सकता है। कमलप्रीत ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाई थी और देश को आगामी प्रतियोगिताओं में उनसे पदक की उम्मीद थी। उन्हें ओलंपिक खिलाड़ियों के विशेष दल में भी शामिल किया गया था और राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भी वो शामिल थीं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के तुर्की में ट्रेनिंग के लिए 5.5 लाख रुपए की मंजूरी दी है। राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए नीरज अपने कोच डॉ क्लाउस बर्टोनियेट्स के साथ अभ्यास कर रहे हैं। 3 बड़े मुकाबले, 3 बड़े इवेंट हैं और नीरज से एक बार फिर गोल्ड मेडल की उम्मीद होगी। देखिए, उनके पास कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल है, एशियन गेम्स का है, जिसको वो दोनों डिफेंड करने चाहेंगे, और इसके अलावा उनका जो मेन गोल है वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स का भी उनके पास ऑलरेडी है। तो लेकिन मेरे ख्याल से उन सबसे ज्यादा उनको ये होगा कि अपना पर्सनल बेस्ट दें, क्योंकि 90 मीटर मार्क वो क्रॉस करने के इसमें ही है। क्योंकि जब मेरी मुलाकात उनसे लास्ट मंथ हुई थी तो उनका गोल ये था कि गोल्ड तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन मुझे अपना पर्सनल बेस्ट देना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि नीरज चोपड़ा इस ट्रेनिंग में जरूर बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, जिसका फायदा उनको आने वाले टूर्नामेंट में मिलेगा। राकेश, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी एक बार फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।